नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर न्यूज़ वन इंडिया की खास पेशकश नारी महिला शक्ति को सलाम में अब हमारे साथ जुड़ रही हैं राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम। आइए उनसे जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के लिए उनका संदेश क्या है। विमला जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। जी धन्यवाद, और महिला दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं महिला दिवस की। शुक्रिया विमला जी। सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आप राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, काफी सारी ऐसी महिलाएं रही होंगी जिन्होंने अपनी समस्याएं आपके सामने रखी होंगी, और कई बार ऐसा होगा कि आपने बहुत सारे समाधान उनको दिए होंगे, और ऐसे में अगर हम संदेश लेना चाहें महिलाओं को किस तरीके से शक्ति मिले, किस तरीके से महिला आगे बढ़े, क्या संदेश रहेगा? देखिए, आज महिला बहुत सशक्त है, और मैं तो ये कहती हूँ कि आदिकाल में महिला बहुत सशक्त थी और आज भी महिला सशक्त है। महिला को ऐसा नहीं है कि हम ये सके कि महिला कमज़ोर है, महिला बहुत सशक्त है। और आज महिला दिवस के अवसर पर सभी महिलाओं को, पूरे राष्ट्र की महिलाओं को, पूरी दुनिया के महिलाओं को मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ, शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ। एक जो अमेरिका में जो एक क्रांति शुरू हुई थी कि असमान बेजेस थी वहाँ पर और काम के घंटे अधिक लिए जाते थे महिलाओं से, उसके ऊपर जो एक महिलाओं ने अपना विरोध दर्ज कराया था, वो पहले उसके बाद वो रशिया में गया, रशिया से फिर यूरोपीय देशों में गया, यूरोपीय देशों से फिर वो पूरी दुनिया में फैला। जी, लगभग 150 वर्ष पूर्व जो ये घटना ये घटी थी, जो एक ये पहल हुई थी, वो आज पूरी दुनिया आज 8 मार्च के रूप में उसको मना रही है। और सशक्त महिला जो है वही देश को सशक्त कर सकती है। अगर महिला सशक्त है तो आप समझिए आपका राष्ट्र सशक्त है। तो आज ये मांग है दुनिया की कि महिला का सशक्तिकरण होना बहुत आवश्यक है, और महिला सशक्त है बशर्ते कई बार ऐसा होता है कि उसको अपने बारे में कुछ पता नहीं होता, कई बार वो अपने खुद के विषय में जानती नहीं कि वो कितनी ताकतवर है। बिल्कुल विमला जी, आपसे ये भी जानेंगे कि आपने कहा महिला सशक्त है, आज के वक्त अगर हम बात कर रहे हैं तो महिला वाकई में सशक्त है, क्योंकि अपनी शक्तियां भले ही पूरी तरीके से नहीं, लेकिन महिलाएं अपने अधिकारों का उपयोग करना जानती हैं। लेकिन अगर हम पहले के वक्त की बात करें और कंपेयर करना चाहें तो कितना बड़ा बदलाव आप देखती हैं? जी, बहुत बड़ा बदलाव आ गया। देखिए, अगर हम आदिकाल में जाएं तो आपको पता है पहले जो पिता नहीं होता था, माई मुखिया होती थी परिवार की। उसके बाद धीरे धीरे पुरुष चूंकि शारीरिक रूप से शक्तिशाली था, उसने शासन किया महिलाओं पर, और एक तरह से देखा जाए तो दासी प्रथा की शुरुआत हो गई कि वो अपनी पैर की जूती समझने लगा था महिला को, क्योंकि महिला जो थी वो थोड़ी शारीरिक रूप से कमज़ोर थी। लेकिन धीरे 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 ये एक युगों में एक अंतराल आया, और आज हम ये कह सकते हैं कि महिला अपने अधिकारों के लिए बहुत सचेत है। आज ऐसा नहीं है कि कोई पुरुष उस पर जुल्म करे और चुपचाप सहती रहे, और सहना चाहिए भी नहीं जी। आज महिला बहुत सशक्त है, अगर कोई पुरुष उस पर जुल्म करता है तो बर्दाश्त नहीं करती। बिल्कुल, अगर हम महिलाओं को लेकर, और महिला का शक्तिशाली होना ही सशक्तिकरण है। बिल्कुल, महिलाओं को लेकर आज जो है नारी जो है, आज मिशन शक्ति जो हमारी योगी जी का चल रहा है, उसके अंतर्गत सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन, ये तीन ऐसी बातें हैं जो महिला को बहुत शक्तिशाली बनाती हैं, और स्वावलंबन से तो और भी महिला अपने ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेती है। विमला जी, अगर हम महिलाओं को लेकर बात कर ही रहे हैं तो आज विश्व महिला दिवस के दिन खास तौर पर हम उन महिलाओं की बात करेंगे जिनके सपने तो हैं कुछ कर दिखाने के, लेकिन उनको समर्थन नहीं मिलता। ऐसे में किस तरीके के काम करने चाहिए, कैसे उनको आगे बढ़ना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए उनको? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हमें ये करना है। सबसे पहले तो अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि हमें करना क्या है जी, और मंजिल निर्धारित करें कि हमें कहाँ तक जाना है। सबसे पहला काम ये है। उसके बाद आप अपने मन में, मस्तिष्क में बैठा लें कि हमें कुछ करना है जीवन में। और चूंकि हर महिला के अंदर एक आग होती, एक ललक होती है, तो हर महिला के अंदर वो जज्बा है कुछ कर गुजरने का। अगर घर वाले राजी नहीं होते हैं तो सबसे पहले मेरा ये उनको सलाह है कि सबसे पहले वो घर वालों को राजी करें, पति को, पिता को, बेटे को, जो भी उसके संपर्क में है उनको राजी करें। तो कई बार ऐसा होता है कि लड़ाई लड़के या झगड़ा करके या
विद्रोह करके बाहर आ जाना, उससे परिवार टूटता है। बिल्कुल, तो एक तरफ आपने कुछ अचीव किया, दूसरी तरफ आपका बहुत कुछ छूट जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत अच्छा हो कि महिला अपने अपने व्यवहार से, अपनी बातों से ये उनको समझाए कि देखिए अगर हमारे घर में अभी एक इनकम है, हम कमाने लगेंगे दो इनकम हो जाएगी, तो ये परिवार की इनकम बढ़ेगी और हमारे राष्ट्र की इनकम भी बढ़ेगी। तो इस तरह से अगर समझाएंगी तो मुझे लगता है कि घर वाले जरूर समझेंगे और महिला का जो जो महिला की जो एक लालसा है, जो उसको कुछ कर गुजरने की जो ललक है, वो उस पर जरूर उसका सहयोग देंगे, ऐसा मेरा अपना विश्वास है, क्योंकि मैंने भी इसी तरह से अपने जीवन को शुरू किया। जब और आपने अपने चलाई जीवन की बात करी है बात विमला जी, तो आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में आपके जीवन का संघर्ष कैसा रहा, कैसा रहा आपका सफर, क्योंकि जाहिर सी बात है एक महिला होना, फिर अपने पद को बनाकर रखना और फिर अपने परिवार को भी चलाना, इन सभी को साथ लेकर चलना संघर्ष भरा तो रहता ही है। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा नहीं कह सकते कि कोई फूलों की सेज बिछी है महिला के लिए, हमेशा महिला के जीवन में फूल और कांटे दोनों आते हैं। तो देखिए जब आप मैं अपनी बात बताती हूँ कि हमने शुरू की अपनी इंडस्ट्री शुरू की, बहुत छोटी उम्र थी हमारी, 24-25 साल की उम्र थी तब शुरू की, और उसके बाद इंडस्ट्री चलाई, उसके बाद सोशल वर्क किया, सोशल वर्क के बाद फिर हमने राजनीति में प्रवेश किया, राजनीति के बाद फिर अब आज आप देख रही हैं मैं नोएडा से विधायक भी रही हूँ जी, और बहुत सारे पदों पर हमने काम किया है, बहुत सारे आयाम जीवन के हमने छुए हैं, और अभी तो महिला आयोग की मैं अध्यक्ष हूँ, आप सब जानते हैं जी। इस सब इस पूरे जीवन में बहुत संघर्षों से गुजरना पड़ा, आसानी से नहीं मिलता है, लेकिन हाँ हम ये जरूर कह सकते हैं कि हमारे घर वालों का बहुत सहयोग मुझे मिला जी, हमारे पति का, बच्चों का, बड़ों का, छोटों का, सबका सहयोग मिला, और मुझे लगता है कि घर वालों का सहयोग भी अगर मिल जाए तो सोने में सुहागा है, और बहुत राह आसान हो जाती है, हम जिस जगह पर चलना चाहते हैं वो हमारे लिए फिर मुश्किल नहीं रहती है। बिल्कुल विमला जी, ये भी आपसे जानेंगे, क्योंकि परिवार को लेकर आगे बढ़ना ये बहुत बड़ी चुनौती होती है, अपने काम को भी देखना और अपने परिवार को भी देखना, और साथ ही आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं उनको प्रेरणा देना कि वो किसी गलत रास्ते पर ना जाएं, क्योंकि आप महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में आपसे बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगी जो सीख रही होंगी, तो उनको क्या सफलता का मंत्र देती हैं और कैसे? देखिए हम तो यही कहेंगे कि अपने पहले तो अपने आप को इतना मजबूत बनाएं, अपने मन को इतना मजबूत बनाएं कि कोई छोटी मोटी जो विपत्ति है, छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो आप प्रभावित ना कर पाएं, आप चट्टान की तरह खड़ी रहें, उनका मुकाबला करें। और मैं आपको बता रही हूँ कि जो जो जिस तरह की चीज़ें जीवन में आती हैं, अगर आप ठंडे दिमाग से अपने भावनात्मक रूप छोड़ कर अगर बिल्कुल मस्तिष्क से सोचें, सारा कुछ दिमाग का खेल है, आप किसी को अच्छा कह दें तो वो अच्छा है, किसी को बुरा कह दें तो वो बुरा है, अच्छा बुरा एक्चुअली कुछ नहीं होता है, एक जीवन की प्रक्रिया है जो हम चलाते हैं। तो सबसे पहले अपने जीवन को संयमित करके और विचार करें कि हम उन्हें करना क्या है, जीवन में आगे बढ़ना कैसे है, स्वावलंबी कैसे बनना है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हम महिलाएँ कहती हैं कि आज़ादी हमें दो, आज़ादी दो, आज़ादी का क्या अर्थ है? अगर आर्थिक आज़ादी नहीं है, उसके पास अपने कोई पूंजी नहीं है, अपना कोई उसको वो दो पैसे अपने मन से नहीं खर्च कर सकती है, तो आज़ादी नहीं है। आज़ादी उसकी तभी है जब वो आर्थिक रूप से संपन्न है, आज़ाद है, आर्थिक रूप से वो कुछ भी अपने मन से खर्च कर सकती है, किसी को कुछ दे सकती है, हाथ उठा के अपने खर्च कर सकती है, तभी उसकी आज़ादी है। वो चाहे किसी रूप में उसके पास धन आए, लेकिन थोड़ा सा उसे अधिकार होना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए भी। दूसरी बात यह है कि मैंने देखा जब महिला या कोई भी जब थोड़ा सा कमाने लगता है, उसकी बैलेंस शीट बनने लगती है, तो घर में उसकी से हो जाती है, घर में उसकी बात मानने लगते हैं लोग, और समाज वाले भी शुरू में तो हो सकता है उसका विरोध करें कि नहीं कुछ कर पाई या नहीं कर पाए, बहुत कठिन है, लेकिन जब कठिनाइयों पर चल के वो आगे मंजिल छूती है तो उसका बहुत आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास से लबरेज वो पूरी जिंदगी को उसकी जैसे एक सपना उसका सच हो रहा हो जाता है, इस तरह से वो जीवन जीती है और उसका बहुत जीवन सुखमय हो जाता है। तो हमेशा अपने मन को विश्वास के साथ जिए, अपने जीवन को और अपनी जो भी आपकी उम्मीदें आशाएं हैं उनको एक सार्थक रूप से, सकारात्मक रूप से आगे ले जाएं।
जी विमला जी, हर नारी में छिपी है दुर्गा, हर नारी है नारायणी, ये शब्द आप ही के कहे हुए हैं, इसका तात्पर्य हम अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। जी देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि नारी जो है वो एक शक्ति पुंज है, उसके अंदर बहुत ऊर्जा है, ऊर्जावान है वो, लेकिन कई बार हमें अपनी ऊर्जा का पता नहीं होता है जी। लेकिन जरूरत है हम जैसे लोगों की, या और जो हमारे जैसे लोग हैं जो समाज में इस तरह से काम कर रहे हैं, उनको जगाने की जरूरत है कि अगर कोई महिला कहीं कमजोर पड़ती है, उसके उसके अंदर की शक्ति को जगाएं और ये कहें कि नहीं, तुम्हें कर सकती हो, तुम जरूर कर सकती हो, थोड़ा कोशिश करो, थोड़ा प्रयास करो, थोड़ा आगे बढ़ो। तो ये नारी जो है नारायणी है, इसमें दो राय है नहीं। आप देखो नारी के पास कितनी भूमिकाएं हैं, एक पत्नी की, बेटी की, और माता की, सास की, कितनी कितनी सारी कितनी और संबंध हैं जो नारी निभाती है। गृहस्थी में कितनी हजारों चीज़ें हैं जो उसके दिमाग में रजिस्टर रहती हैं। वो अभी एक छोटी सी बात मैं कह रही हूँ कि खाना बनाना जो है, हम कह देते हैं खाना बनाना, लेकिन उसमें कितनी झंझट है, कितनी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक पुरुष के लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफदेह है जो नारी एक हंसते हंसते कर लेती है। किस संबंध को कैसे निभाना है, कैसे रिश्ते निभाने हैं, कैसे बच्चों को बड़ा करना है, कैसे बच्चों की शादियाँ करनी है, जो शादी हो गई उन रिश्तों को कैसे निभाना है, बहुत कुछ नारी बहुत कुछ करती है। और मैं ये कह सकती हूँ कि शारीरिक रूप से बेशक चाहे पुरुष बलवान हो, लेकिन मानसिक रूप से नारी का कोई मुकाबला नहीं, कोई जवाब नहीं। बिल्कुल, बहुत ही होशियार, बहुत ही कुशल नेतृत्व वाली, और उससे अच्छी मैनेजर कोई हो नहीं सकती जो घर को मैनेज कर ले। बिल्कुल सही बात कह रही हैं। अगर हम महिला सशक्तिकरण को लेकर बात कर रहे हैं तो हर किसी का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि वो महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या सोचता है। आपकी बात करें तो आपकी तरफ से महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या राय है, क्या सोचती हैं आप? नहीं, मैं तो कहती हूँ हर महिला सशक्त है, और अगर कहीं आपको जरा भी कहीं कमजोरी लगती है तो आप अपने आप को पहचाने और आगे बढ़ें। जीवन में जो लक्ष्य तय कर रखा है उसको जरूर जीवन में हासिल करें। आपके जीवन की सार्थकता तभी है जब आप अपने लक्ष्य को छुएंगी, और आपको एक बहुत प्रसन्नता मिलेगी और जीवन आपका एक आनंद से भर जाएगा। तो आज के समय में, आज इस महिला दिवस के अवसर पर मेरी सभी बहनों से अपील है कि अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित करें, अपना गोल निश्चित करें, और उस फिर लक्ष्य की ओर अपने कदम बढ़ाएं और मजबूती से बढ़ाएं, बहुत ठोस कदम बढ़ाते हुए आगे मंजिल तक पहुँचे। कोई रुकावट नहीं। मैं कह सकती हूँ कि चीजें मुश्किल जरूर हो सकती हैं, असंभव नहीं। बिल्कुल विमला जी, आज के वक्त में अगर हम पुरुष और महिला का एक समीकरण देखते हैं तो कहा जाता है कि महिला और पुरुष बराबर है, लेकिन कहीं कहीं ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि कुछ फर्क देखने को मिलता है, तो क्या लगता है आपको वो फर्क को लेकर? नहीं देखिए, फर्क तो है, जेंडर में फर्क है, महिला पुरुष में फर्क है, लेकिन जो कार्य क्षेत्र है वो अब, पहले तो अलग अलग कार्य क्षेत्र हुआ करते थे, महिला घर में रहती थी, पुरुष बाहर जाता था, अब तो कार्य क्षेत्र भी बराबर होने लगे हैं, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। एक जो स्त्री पुरुष का फर्क है, जो शारीरिक बनावट है, वही एक फर्क है, बाकी ऐसा कोई फर्क नहीं है कि हम दिमागी तौर पर या सोच के तौर पर कोई ऐसा फर्क नहीं महसूस करते हैं। वर्क एक्सपीरियंस या काम को लेकर हम बात करते हैं या आगे बढ़ने को लेकर, उन चीज़ों को लेकर बात कर रहे हैं। नहीं, वो मैंने जैसे अभी एक बाप को बताई बात कि जो घर गृहस्थी है वो महिला जितनी कुशलता से देख लेगी पुरुष नहीं देख पाएगा। बिल्कुल, लेकिन एक बात और मैं इसके साथ कहती हूँ, अगर पति के ऑफिस में महिला को बिठा दिया जाए तो वो बहुत कुशलता से वहाँ काम कर लेगी। तो महिला कहीं हम देखते हैं कि वो प्लस में है जी, महिला ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा सशक्त है, मैं ये कहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका विमला जी। तो हमारे साथ विमला बाथम जी जुड़ी हुई थी, उन्होंने खास बातें बताएं कि किस तरीके से महिलाएं आगे बढ़ें और किस तरीके से खुद को सशक्त